हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर देवान, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन प्लम्बम मेटलिकम को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो जैसे ही हम चैनल में अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब सुबह उठते हो, लैट्रिन जाते हो, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, काफ़ी प्रेशर देते हैं, लेकिन फिर भी लैट्रिन होती नहीं है। होती भी है तो थोड़ी बहुत होती है, और काफ़ी देर कोशिश करने के बाद आप बाहर आ जाते हो। लैट्रिन जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं होती, पेट जो है पूरी तरह से खाली नहीं होता। दिन में कई बार जाते हैं, बार बार बड़े ज़ोर से लैट्रिन लगता है, लैट्रिन करने जाते भी हैं, लेकिन पेट जो है पूरी तरह से खाली नहीं होती, और आप निराश और हताश होकर वापस आ जाते हैं। और अगर पेट खाली ना हो तो कई तरह की समस्याएं भी होती है, जैसे कि पेट में गैस बनता है, पेट में डब डब की आवाज़ आती है, भूख नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, पेट में दर्द महसूस होता है, पेट में खिंचाव महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मानो पेट को पीठ की तरफ, पीछे की तरफ कोई खींच रहा हो। तो अगर आप इन तमाम तरह की समस्याओं को फेस करते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन प्लम्बम मेटलिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तो दूसरा जो समस्या है वो मिर्गी के पेशेंट की कन्फ्यूज़न की समस्या है। अर्थात कोई व्यक्ति को जब मिर्गी का अटैक होता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ने के उपरांत जब वो मिर्गी के दौरे से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी देर तक वो कन्फ्यूज़न रहते हैं। कन्फ्यूज़न में होता क्या है कि वो आसपास के लोगों को पहचान नहीं पाता है, यहाँ तक कि वो खुद को भी पहचान नहीं पाता है, कौन है, क्या है, क्यों है वहाँ पर, क्या कर रहा था, वो जहाँ पर है तो क्यों है, इस तरह कई तरह के सवाल उसके मन में घूमते रहता है। तो कुछ लोग जो है बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों में ये समस्या काफ़ी देर तक रहती है। तो उस स्थिति में भी आप प्लम्बम मेटलिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप कोई मेडिसिन के विषय में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। बात करें इस मेडिसिन को यूज़ करने की, तो पेट की क्लियर होने की समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी सुबह सुबह का पेट सही से क्लियर नहीं होता, पेट में गैस बनता है, दर्द होता है, पेट में खिंचाव महसूस करते हैं, हर रोज़ सुबह खाली पेट हाफ कप गुनगुना पानी में 4-5 बूंद प्लम्बम मेटलिकम 30 डालकर उसे पी सकते हैं। मिर्गी के पेशेंट की कन्फ्यूजन की, तो अगर बहुत जल्दी उसके कन्फ्यूज़न ठीक हो जाता है तो उसे मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न काफ़ी देर तक बनी रहती है तो फिर आप उसे उसी समय प्लम्बम मेटलिकम 30 अगर पानी से संभव हो तो पानी के साथ, या फिर डायरेक्टली उसे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कोई वीडियो में कोई और मेडिसिन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।